Subscribe my channel, my friends. सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम अलैकुम, कैसे हैं मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के छल्लो। मैंने पीछे आपको एक वीडियो बनाई थी, आपने बहुत पूछा कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, तो मैंने आप छोटा सा एक वीडियो बनाई थी, आपने बहुत पसंद की, उसके लिए थैंक यू। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे काफ़ी आदमियों ने कि हमारा जो इन्वेटर ए सी का जो कंप्रेसर है कितने एम्पीयर पे चलता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इन्वेटर के किस बिहाफ क्या कितने एम्पीयर में आपका ये कंप्रेसर स्टार्ट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि काम अब स्टार्ट होने वाला है, जॉइनिंग स्टार्ट हो गई है, इंटरव्यू चल रहे हैं, तो मैं आप बहुत बंदों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या है, इन्वर्टर एसी क्या है, इन्वर्टर एसी क्या है, क्योंकि अभी 2 साल हुए, अभी नए नए जो इंजीनियर्स हैं उनको भी नहीं इतना पता कि इन्वर्टर एसी क्या है। मैं आपको ये बता रहा हूँ ये क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हर कोई इंटरव्यू में सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है एसी और इन्वर्टर में क्या अंतर है। तो मैं यही बताता हूँ, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो इन्वर्टर एसी है वो इन्वर्टर से नहीं चलता है, पहले तो ये है। ये एक ऐसा इन्होंने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी निकाली है जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है हमारी एसी सप्लाई को, जो जिससे हमारे जो मशीन के जो आरपीएम होते हैं वो कम होते हैं। जैसे हमारी वोल्टेज जितनी कम आती है उतने हिसाब से उसकी स्पीड बढ़ती है। ये हमारे जैसे एसी हमारे नॉर्मल एसी थे तो उनके एम्पेयर जो स्टार्टिंग में ही मशीन जब स्टार्ट रनिंग स्टार्टिंग में लेती थी तो 8-9 एम्पेयर लेती थी, मगर जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की है, मैं पहले बता रहा हूँ, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के जो कंप्रेसर से जो रनिंग स्टार्ट लेते हैं ये 1 एम्पेयर से स्टार्ट होती है। इनके जैसे जैसे इसके अंदर जो वोल्टेज फ्लैक्सपोर्ट जैसे वोल्टेज सप्लाई जितनी आती है उसके हिसाब से रनिंग धीरे धीरे ये काम करता है। तो ये स्टार्टिंग में एकदम लोड नहीं रहता, ये रनिंग में धीरे धीरे इसकी जब आउटडोर यूनिट होती है उसकी स्पीड बढ़ती है, कंप्रेसर में उतनी इसके अंदर जो पीसी के अंदर जो सेंसर लगे हैं, जो मैंने आपको पीछे वीडियो में कंडेंसर लगे हैं, वो सप्लाई पास करता है, क्योंकि कंप्रेसर इसके आरपीएम कम लेती है, क्योंकि इसको आपको पता है इन्वर्टर एसी की जो कंजम्पशन है बहुत कम है, क्योंकि हर आदमी यही सोच के आजकल मार्केट में ये एसी निकाला है, क्योंकि इंडिया में बिजली की आपको पता है काफ़ी दिक्कत रहती है, तो इसलिए उन्होंने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी निकाली, क्योंकि हमारे जो एम्पीयर्स है जो हमारे जो नॉर्मल एसी है गर्मियों में ये 12-14 एम्पीयर ले लेते हैं, जब हेड पड़ता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ऐसी है जो रनिंग में स्टार्टिंग में 1 एम्पीयर से लेके 4 एम्पीयर के बीच में रहती है, 1 एम्पीयर से चलती है, जितने जितने एम्पीयर चलते रहते हैं मैक्सिमम ये 4 एम्पीयर में मशीन चलती है, 4 या 5 एम्पीयर में जो नॉर्मल है पैनासोनिक है इतनी चलती हैं। अब डैकिन ने एक अब न्यू एसी एक निकाला था इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की, उनकी गारंटी है, क्योंकि मशीन के आरपीएम जो एम्पीयर्स हैं वो 1.3 एम्पीयर लेता है, मतलब लगा लो कि एक कूलर की सप्लाई ले रहा है वो एसी। मगर मुझे वो एसी मैंने भी अपने घर पे सोच रहा मैं लगा दूँ, क्योंकि जितना बिजली का बिल कम आएगा उतना हम भी सोच रहे हैं हमारे लिए फ़ायदा है। मगर ये बता दूँ, क्योंकि जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की जो मशीनरी है उसको वोल्टेज प्रॉपर चाहिए। अगर आप किसी घर पे आप इन्वर्टर के लिए गाइड करते हैं तो मैं आपको बता दूँ, तो आपने उनसे यही कहना है कि आप स्टेबलाइजर जो होता है जो इसमें सप्लाई थ्रू करती है उसको स्टेबलाइजर को आपने अगर सिंगल फेज का जो एल्यूमिनियम वाइंडिंग के जो होते हैं लोकल जो डीलर्स ले आप मंगवाते हैं या ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो एल्यूमिनियम का होता है, क्योंकि आप पढ़ लें तो उसका आप लगा लें, जब भी आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ले रहे हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एसी ले रहे हैं तो आपने 45 से 50 हज़ार या 60 हज़ार रुपये लगाया उस पर, तो आप थोड़ा सा फोकस थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, क्योंकि जो हमारे जो स्टेबलाइजर हैं वो 1 स्टेप के होते हैं जो एसी में सप्लाई देते हैं, जिससे मशीन को प्रॉपर सप्लाई नहीं आती है। वो जब मशीनरी 190-180 से नीचे जाता है
वो हमारे जो स्टेबलाइजर वो वोल्टेज बना नहीं पाते हैं, वो डाउन हो जाते हैं, जिससे हमारी जो कॉयल्स हैं जो पीसीबी है वो प्रॉब्लम में आए थे, वो सर्किट हो जाते, उसके डेड हो जाते हैं। तो मैं यही कहता हूँ, जब भी आप किसी के घर पे इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं या आप ले रहे हैं, तो आपने थ्री स्टेप का कॉपर में आपने कोई अच्छी ब्रांड कंपनी का स्टेबलाइजर लेना है, और कॉपर में लेना है थ्री स्टेप का। थ्री स्टेप का ये फ़ायदा है क्योंकि ये फ्लैक्चुएट नहीं करते, इसके अंदर रिलेस लगी होती हैं, वो तीन रिले लगी होती हैं, क्योंकि जो सप्लाई है जो अप डाउन है वो उसको कंट्रोल करती है। और ये इसकी दूसरी बात, ये आपका 140 से या 130 से अगर नीचे भी बिजली आपके रूम घर में आती है, 130 बिजली आपके आती है, क्योंकि कहीं कहीं आती है, क्योंकि गर्मियों में तो बिजली काफ़ी खपत रहती है, क्योंकि हमारे जो घर में भी है ट्यूबवेल भी ब्लिंक करती है, मगर क्या करें इसे तो हम चलाते हैं। इसलिए आप कहता हूँ स्टेबलाइजर जो होता है हम जो हमारा वो अच्छा होना चाहिए, जो हमारे एसी को अच्छी पावर सप्लाई दे, और इसके अंदर इसके आरपीएम में से ज़्यादा बढ़े, और मशीन को भी कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, ये प्रॉपर आपके चलती रहे, क्योंकि वोल्टेज के कारण ही कंप्रेशन में फॉल्ट आता है, वायरिंग फूकती हैं, क्वालिटी इसमें काफ़ी आपको दिखा होगा, काफ़ी आग भी लगती है यूनिटों में। तो मैं यही कहता हूँ कि आप जो भी आप इन्वर्टर या कोई भी ब्रांड ले रहे हो, मेन तो मैं इन्वर्टर का बता रहा हूँ, इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए कि आपने थ्री स्टेप का स्टेबलाइजर लेना है, कोई ब्लूबर्ड का, लॉजिस्टेक का, अगर कोई असेंबल कर रहा है तो कॉपर में आप थ्री स्टेप का एक स्टेबलाइजर लीजिए, जो आप अपने यूनिट के साथ लगाइए, लगा के आप मशीन का काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, और आपको जो इसके अंदर जो पीसीबी लगी है आउटडोर में, मैं लगा लो इंडोर में काफ़ी कॉस्टली है, उससे काफ़ी आपको थोड़ी बेनिफिट मिलेगा, वो आपको ही ज़्यादा प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, क्योंकि इसमें सप्लाई अच्छी होती है, कटअप की फ्लैक्चुएट होती है, वो कंट्रोल कर लेता है थ्री स्टेप, तो सिंगल स्टेप थोड़ी प्रॉब्लम देता है। तो मैंने ये पीछे काफ़ी क्वेश्चन पूछा था, तो सर हम कितने में बनाएँ, कौन सा स्टेबलाइजर उसका होगा, तो मैं इसको बता रहा हूँ, आप इन्वर्टर में थ्री स्टेप के स्टेबलाइजर लगाएं, वो भी कॉपर में, कोई अच्छा ब्रांड ले लो, कोई अच्छा ब्रांड है तो वो ले लो, क्योंकि आप डीलर से लेते हो, डीलर एल्युमिनियम देता है, मगर आपने कॉपर में अगर बाहर से आपको जानकारी है, अपनी दुकानदार से जानकारी है, आप खुद हो, तो आप कॉपर में थ्री स्टेप का ही लगाएं, सिंगल फेस का ना लगाएं, क्योंकि आप लगाएंगे 10-15 दिन में वो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि फोटो रिफ्लेक्टेड होती है। तो हमारे जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के जो अंदर अंदर डीसी सप्लायर लगे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लगे होते हैं, वो हीटअप होकर फूक जाते हैं, तो इसलिए आप उसको वोल्टेज जो होती है स्टेबलाइजर होता है उसको आपने ज़रा फोकस करना है। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने इसलिए बताई थी कि सेफ्टी के लिए टिप्स मांग रहे थे, तो मैं अगर आप लेना चाहते हैं इन्वर्टर तो ये चीज़ें आप देखें, क्वालिटी देखें, एल्युमिनियम की वैसे ही जो आप एसी ले रहे हैं वो हमेशा कॉपर का ही होता है इन्वर्टर, क्योंकि इसकी कॉइल हैवी होती है, इसमें गैस आपको पता है चेंज हो रहा है आपको, क्योंकि काफ़ी हेड बढ़ता है उसकी गैस का भी, बैक प्रेशर भी ज़्यादा है, तो इसलिए पाइप भी कॉपर का आता है, तो उसकी कोई बात नहीं है, मगर आपने जो भी लेना है अच्छी क्वालिटी का लेना है, तो आपने स्टेबलाइजर भी अच्छी क्वालिटी का ही लेना है, क्योंकि आपकी मशीनरी को काफ़ी अच्छी लाइफ बनाएगा। तो आज मेरी छोटी सी वीडियो थी, मैंने यही बनाई है, तो मुझे गर्मी स्टार्ट हो गई है, मुझे भी गर्मी लग रही है, तो भाइयों अब एसी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप तैयारियां कर लें, तो मैं अब डेली ना डेली नई वीडियो लेके आऊँगा, तो मेन जो नए हैं मेरी अगली वीडियो में कुछ मैं इंजीनियर्स के लिए, और जो नए नए इंजीनियर्स बने हैं, हेल्पर्स बने हैं, उनके लिए थोड़ी सी टिप्स बताऊँगा, क्योंकि आप कैसे आप रेवेन्यू में फोकस कर सकते हैं और कैसा पैसा कमा सकते हैं, और जो कस्टमर्स हैं वो कैसे आप अपनी मशीनरी को सेफ रख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। तो मैं अब वीडियो ये छोटी सी बनाता रहूँगा, और आप जिन्होंने जो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, काफ़ी मैं चीज़ें आपको सेफ्टी के लिए बताऊँगा, जिसमें आपको कभी घाटा ना हो, कोई प्रॉफिट ही हो। तो मैं बस इतनी ही वीडियो है मैं बना कर आपको बस दे रहा हूँ, तो अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, मैं ए पी सिंह फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।